हेलो। सो वेलकम सभी का जिसने भी स्ट्रीम ज्वाइन करी। हम आ चुके हैं अपने GNU इंटर यूनिवर्सिटी COD मोबाइल चैंपियनशिप 2022 मैच नंबर 3 की तरह। ये भी अपना हो रहा है आइसोलेटेड का, सो लेट्स सी कितना मजा हमें आने वाला है इस मैच के अंदर। भी टोटल ऑफ 21 टीम्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, 21 आउट ऑफ 21, क्या बात है। सो टोटल ऑफ 21 टीम्स के साथ टोटल ऑफ 81 प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करे हुए हैं। सो लेट्स सी देखते हैं फिलहाल इस लॉबी में कितना मजा आने वाला है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना स्ट्रीम एंड चैनल को, बताने की जरूरत आपको होगी नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब बटन कहां पर होते हैं आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा। ओके सो लेट्स सी, अगर देखा जाए फिलहाल अपने जोन की तरफ तो जोन तो हमें अभी देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर के अंदर ही। पिक्ड अप हैवी एमओ, अरे 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 किसको एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम। ओके सो टीम नंबर 16 की साइड हम अभी आए हुए हैं। टीम नंबर 16 किस तरीके से खेल रहे हैं ये तो हमें देखने को मिल ही जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। बाकी अगर चल के देखा जाए एक बार पूरे मैप की तरफ, पूरे मैप में हमें देखने को मिल चुकी है सारी टीमें स्प्लिट हो चुकी है, इधर उधर जाके लूट कर रहे हैं अपना अपना लूट कर लेंगे। उसके बाद गन फाइट्स कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलने वाली है। लेट्स सी गन फाइट कहाँ पर देखने को मिल रही है, एक बार चल के देख लेते हैं। ई की तरफ अगर चल के देखें टीम नंबर 5, सो टीम नंबर 5 के पास में हमें टीम्स देखने को मिलने वाली है, इनके पास गन फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी देखते हैं कितना मजा हमें आने वाला है यहां पर इस मैच के अंदर। अगर चल के देखा जाए इनके पास, ओके के एन जे, इसमें एक तो ये है कि पता नहीं चलता टीम्स के नंबर नहीं आते वहाँ पर के एन जे ये सब आता है, सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चल के देखें फिलहाल अगर टीम नंबर 11 की तरफ, टीम नंबर 11 के पास हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे टीम नंबर 10। ओके सो टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा क्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं, बट फाइट एंगेज अभी तक हुई नहीं है और आई गेस फाइट एंगेज इनकी होने भी नहीं वाली है इतनी जल्दी। लेट्स सी अगर फोकस किया जाए वापस से अपने मैच की तरफ, तो यहाँ पर वाइल्ड ड्रैगन हमें देखने को मिल रहे हैं इस टीम के अंदर, काफी ज्यादा क्लोज है। जोन की अगर बात करें तो जोन हमें देखने को मिलेगा एंड प्ले जोन ब्लैक, ओके सो ब्लैक मार्केट इन प्ले जोन स्टैंड ऑफ एंड डाउनटाउन एंड उनके साथ साथ रेडार बेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इन द सर्कल। अगर चल के देखें फिलहाल आउट ऑफ द सर्कल हमें मोस्ट ऑफ द टीम्स देखने को मिलेंगे। ओके सो इसी के साथ एक किल कर लिया जा चुका सिक्योर राजवर्धन की साइड से। इसी के साथ अगर बात करी जाए टीम नंबर 10 की, सो यहाँ पर फाइनली फाइटेंगे जो ये एक फिनिश हो नहीं एक नहीं दो फिनिशेस कर लिए जा चुके हैं अब तक तो सिक्योर। और अगर इनके पास चल के देखा जाए टीम नंबर 11 में, यहाँ पर एक प्लेयर की पेटी ऑलरेडी बन चुकी है राजवर्धन एंड द बीस्ट ने यहाँ पर एक एक फिनिश किया सिक्योर। एक फिनिश यहाँ पर हमें एक लॉस हमें यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है टीम नंबर 11 के अंदर। और एक लॉस कहाँ पर देखने को मिला, एक लॉस और किस टीम में हुआ है। टोटल ऑफ 79 प्लेयर्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ दो फिनिशेस सिक्योर किए जा चुके हैं और दो के दो फिनिशेस वो भी टीम नंबर, अगर बात करी जाए फिलहाल तो टीम नंबर 10 में ही दोनों फिनिश सिक्योर करे हैं। ओके मायाश को भी दे दिया गया एलिमिनेट। एम गार्डन मॉल यहाँ पर अभी सर्वाइव करते हुए एज अ लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम नंबर 21 लेसी के 9 यूनिट। ओके हैंडसम रावन लेट्स सी अगर बात करी जाए फिलहाल अपने सर्कल की, तो एक बार अपने सर्कल की तरफ चल के देख लेते हैं कौन कौन सी टीम हमें आउट ऑफ द सर्कल देखने को मिल रही है। सो मोस्ट ऑफ द टीम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे आउट ऑफ द सर्कल एंड इन प्ले जोन, काफ़ी कम टीम्स देखने को मिल रहे हैं बट मेरे ख्याल से आ जाएंगे चलते चलते जिस तरीके से यहाँ पर जोन आने वाला है। अभी तो काफ़ी टाइम है जोन को आने में, तब तक के लिए तो सारी टीमें जोन के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। चल के देखे जाए टीम नंबर 2 की तरफ, डायमंड के साथ 007 ऑन ड्यूटी FE22 एंड उनके साथ क्रेजी गेमर यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है इन टीम नंबर 2। टीम नंबर 1 की साइड अगर चल के देखा जाए तो टीम नंबर 1 भी फुल ओके सो फुल फॉर्म एंड स्क्वाड तो नहीं बट टीम एंड स्क्वाड हम यहां पर देखने को मिल रहे हैं वन ब्रो के साथ में, यहां पर हमें देखने को मिलेंगे ओ बाप रे दशरथ एंड उनके साथ एंकी। बट चल के देखा जाए फिलहाल साहिल एंड तारिक लेते हुए फाइट। अगर चल के देखा जाए फिलहाल साहिल एंड तारिक दोनों की पेटी बना दी जा चुकी है और साथ ही साथ जीरो फिनिशेस के साथ दो लॉस का सफर होते हुए हम यहां पर देख रहे हैं। फिलहाल दो लॉस सफर करते हुए देखने को मिलेंगे तो सही एंड दो ओके सो जीरो फिनिशेस यहां पर है। अब यहां पर क्रोमा टू प्लेयर्स का लॉस हुआ है वो कहां पर हुआ है। ओके सो इनके पास में ही हुआ था टीम
अभी तक नहीं थी टीम पास में, बट अब पहुंच चुकी है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से यहाँ पर एक फाइट आएंगे जो हमें देखने को मिल जाएगी। सो टीम नंबर 9 विद 0 फिनिशेस, इन्होंने भी नहीं यहाँ पर इनको एलिमिनेट किया। सो किसने एलिमिनेट किया था ये हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, बट अभी तो चल के देखा जाएगा। टीम नंबर 9 के अंदर से फुल फॉर्म स्क्वाड हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा क्लोज है जरूर। तो देखते हैं किस तरीके से फाइट हमें देखने को मिलेगी। चल के देखिए वापस से टीम नंबर 1 की साइड, तो एज ए ट्रायो प्लेयर्स हमें यहाँ पर खेलते हुए देखने को मिलने वाला है। चल के देखिए टीम नंबर 3 की साइड इन फुल फॉर्म स्क्वाड, अभी फाइट एंगेज नहीं होने वाले। टीम नंबर 4 भी यहाँ पर फाइट नहीं लेते हुए देखने को मिलेंगे। टीम नंबर 5 की साइड अगर चल के देखे, दो लॉस ऑलरेडी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, बट जीरो फिनिशेस। ओके सो चल के देखता हूँ फिलहाल टीम नंबर 9, टीम नंबर 6 की तरफ अगर चल के देखा जाए तो टीम नंबर 6 भी यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। काफी ज्यादा क्लोज किसी ना किसी टीम के तो है ये, ऑफकोर्स काफी ज्यादा क्लोज है जरूर। एंड इसी के साथ फाइट हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करी जाए फिलहाल टीम नंबर 12 की, काफी ज्यादा पास से काफी ज्यादा क्लोज से यहाँ पर रोटेट करते हुए निकले हैं और यहाँ पर फाइट एंगेज अभी तो नहीं होने वाले। टीम नंबर 6 वर्सेस टीम नंबर 12, आप फाइट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। सो चल के देखते हैं फिलहाल टीम नंबर 7 की साइड, टीम नंबर 7 कहाँ पर कर रहे हैं सर्वाइव। टीम नंबर 7 की तरफ अगर चल के देखें, विलन के साथ राहुल सोनी, शदाब एंड न्यूक्लियर हमें यहाँ पर सर्वाइव करते हुए देखने को मिलने वाला है। चल के देखा जाए टीम नंबर 9 की तरफ, तो अवोकन के साथ फॉक्सी फ्रेम, निंजा 09 एंड ऋषि हमें यहाँ पर सर्वाइव करते हुए देखने को मिलने वाला है। चल के देखिए टीम नंबर 10 की तरफ, तो द बीस्ट, वाइल्ड ड्रैगन, राजवर्धन एंड मिस्टिक वाइटी हमें यहाँ पर सर्वाइव करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फुल फॉर्म स्कॉर इन टीम नंबर 10, लेट्स सी इन टीम नंबर 11। ओके सो टीम नंबर 11 में यहाँ पर देखने को मिलेंगे डेथ स्ट्रोक के साथ फोर्ड कॉम्बो एंड उनके फोर्ड कॉम्बैट एंड उनके साथ हेल क्रिप्टो इन टीम नंबर 11। इंट्रायल सिचुएशन विद जीरो फिनिशेस, चल के देखा जाए फिलहाल प्रांजल के साइड एंड ब्रूटल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन टीम नंबर 12। ओके दो लॉस के साथ सफर करते हुए देखने को मिलेंगे विद जीरो फिनिशेस। चल के देखा जाए अगर टीम नंबर 13 की साइड, तो टीम नंबर 13 में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे रॉबिन रॉर, उनके साथ साथ सुमित रॉर की तो बेटी बन चुकी है गौरव रॉर एंड उनके साथ हर्षित यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ओपी डायनामिक की तरफ से M13 के थ्रू नॉक किया जा चुका है गौरव को। एंड अगर बात करें फिलहाल हर्षित एंड रॉबिन के, यहाँ पर हर्षित एंड रॉबिन अभी वाले हैं एज अ लास्ट टू प्लेयर्स फ्रॉम टीम नंबर 13। बाप रे इतना शोर। चल के देखते हैं टीम नंबर 14 की साइड, सो टीम नंबर 14 इन फुल फॉर्म स्क्वाड हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे योगी फौजदार के साथ आदि एंड उनके साथ स्वास्तिक एंड साइबर अज्जू भाई हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चल के देखा जाए टीम नंबर 15 के अंदर हाईएस्ट ओपी के साथ दीक्षांत इंफ्रा एंड उनके साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे अक्षपूल एंड ग्लास टीओपी। अगर चल के देखा जाए इन टीम नंबर 16 कैंडी हुंदी सी एंड रॉकस्टार एंड उनके साथ एपोफिस एंड उनके साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कर्जिव। और अगर चल के देखे फिलहाल अपने टीम नंबर 17 के साथ, तो टीम नंबर 17 शुभम ओपी डायनामिक एंड उनके साथ साइबर गॉड एंड उनके साथ यश हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं K9 यूनिट। ओके सो अगर चल के देखें फिलहाल टीम नंबर 18 की साइड आरवी कूपर उनके साथ HDRV नकल एंड गलत यहाँ पर हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर चल के देखें टीम नंबर 19 की तरफ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे गॉडज़िला के साथ पैंथर एंड उनके साथ डीमन एंड उनके साथ हमें माहिब देखने को मिलने वाले हैं। अगर चल के देखें टीम नंबर 20 की साइड में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे हसल नाइकी एंड उनके साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे माही धिनवा एंड उनके साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे लक्ष्मी यादव एंड साथ में फार। अगर चल के देखा जाए फिलहाल एम गोडन मॉल की साइड में, तो एज अ लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम नंबर 21 देख सकते हैं फिलहाल हम सर्वाइव करते हुए इनको, मायश का हो चुका है ऑलरेडी एलिमिनेशन। अगर चल के देखा जाए टीम नंबर 21 की साइड में, तो यहाँ पर एज अ फुल परफॉर्मेंस कार्ड हमें देखने को मिलने वाले हैं भविष्य एंड उनके साथ में हमें देखने को मिलेंगे ज्यूस एरोकी एंड उनके साथ पार्थ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले एज अ फुल परफॉर्मेंस कार्ड इन टीम नंबर 21। सो एज इन सर्कल की साइड भी हम चल के देखेंगे, बट उससे पहले अगर चल के देखा जाए फिलहाल अरमान की साइड, तो अरमान को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया जा चुका है। अगर चल के देखें फिलहाल टीम नंबर 6 के अंदर से, यहाँ पर टीम नंबर 6 में एज इन ट्रैवल प्लेयर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी टीम नंबर 6 अभी सर्वाइव करते हुए। इनके पास में कौन सी स्क्वाड रहने वाली है, इनके पास में रहने वाली है टीम नंबर 19 जो कि एक फिनिश ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। दिलशाद यहाँ पर आने वाले हैं, दिलशाद इनके काफी ज्यादा क्लोज अगर चल के देखा जाए फिलहाल इनके सामने अब रहने वाले टीम नंबर 20 इनके सामने आ चुके हैं। सो हमें फाइट देखने को मिलने वाले टीम नंबर 20 वर्सेस टीम नंबर 5 की।
लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल किस तरीके से हमें यहाँ पर ये फाइट देखने को मिलने वाली है, किस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे एलिमिनेशन, और किस तरीके से कौन यहाँ पर फाइट निकालने वाला है, सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। सर फ्रांसिस्को को दिया गया नॉक, अवेकन को दिया गया नॉक, चल के देखना पड़ेगा टीम नंबर 9 लेते हुए फाइट, चल के देखा जाएगा टीम नंबर 9 की तरफ सर फ्रांसिस्को। एंड ओके सर फ्रांसिस्को तो टीम नंबर 6 में है, बिल्कुल सर फ्रांसिस्को को दिया गया नॉक, सो वहाँ पर एलिमिनेशन हमें देखने को मिलने वाला है। अवोकन को दिया गया था नॉक, अवोकन को तो एलिमिनेट किया जा चुका ऑलरेडी टीम नंबर 9 रोटेशन कंटिन्यू रखते हुए चल के देखा जाएगा टीम नंबर 6 की साइड वापस से। टीम नंबर 6 की साइड अगर वापस से चल के देखा जाए, सर फ्रांसिस्को को वापस से दे दिया गया रिवाइज, और इसी के साथ एज एन परफॉर्मेंस कार्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले डेमन डेज को यहाँ पर दिया गया नॉक, क्रेजी गेमर को दिया गया नॉक, सो क्रेजी गेमर टीम नंबर 2 हमें लेते हुए देखने को मिल रहा है फाइट। आगे चल के देखा जाए यहाँ पर टीम नंबर 2 की फाइट एंगेज हुई थी, 3 लॉसेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे सफर करते हुए टीम नंबर 2 एफी एज अ लास्ट प्लेस स्टैंडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले सर्वाइव करते हुए। लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव हमें देखने को मिलने वाला है। अगर चल के देखा जाए टीम नंबर 3 की साइड में क्रोमा वाईटी को दिया गया नॉक, सो दिलशाद एज अ लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। लेट्स सी दिलशाद किस तरीके से करने वाले डिफेंड, इनके सामने रहने वाले भविष्य, दिलशाद वर्सेस भविष्य, दिया जाएगा भविष्य को नॉक, एक 1v1 हमें यहां पर देखने को मिला भविष्य एज अ ओके सर भविष्य इन नॉक सिचुएशन, भविष्य को भी दिया गया एलिमिनेशन, और इसी के साथ अगर देखा जाए फिलहाल यहां पर एरोकी का भी हो चुका है रश, एरोकी के साथ हमें ज्यूस का रश यहां पर देखने को मिलेगा, सर ज्यूस ने निकाले फाइट फाइनल, इसी के साथ हमें यहां पर दिलशाद का भी एलिमिनेशन देखने को मिल चुका है। दिलशाद एंड कुमावाईटी एज इन लास्ट टू प्लेयर्स फ्रॉम टीम नंबर कौन सी थी अपनी रहने वाली थी, जस्ट अ सेकंड, अगर टीम नंबर 5, टीम नंबर 5 का भी एलिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है काफी अर्ली। अगर चल के देखा जाए जून की तरह, तो जून हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी बहुत ही ज्यादा छोटा, बट अभी 18 टीम्स टोटल ऑफ सर्वाइव करते हुए इस छोटे से सर्कल में, छोटू से सर्कल में टोटल ऑफ 18 टीम्स अब स्टिल सर्वाइविंग। एंड अगर चल के देखा जाए फिलहाल अपने इस प्लेयर्स काउंट्स की तरफ, तो प्लेयर काउंट्स हमें देखने को मिलेगा काफी अच्छा नंबर है प्लेयर काउंट्स का भी, और इसी के साथ अमान को दिया गया नॉक, कायम आदित्य को दिया गया नॉक, फाइट्स रुकने का नाम नहीं लेने वाली है, फाइट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कंसिस्टेंसी फाइट्स की रहने वाली है काफी अच्छी अगर चल के देखा जाए फिलहाल। ओके सो सर फ्रांसिस्को एज इन लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम नंबर 6 हमें यहां पर देखने को मिलने वाला सर्वाइव करते हुए, इनके सामने हमें देखने को मिलेगी एक टीम जो कि रहने वाली है टीम नंबर 20, सो टीम नंबर 20 भी यहां पर ट्रायल सिचुएशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, इनके साथ में एक प्लेयर जो आए थे हसल लाइक ही, उनका एलिमिनेशन काफी अर्ली देखने को मिला। अगर चल के देखा जाए तो फिलहाल कर्जिव को दिया गया नॉक, सो चल के देखना पड़ेगा कर्जिव की तरफ कहां पर फाइट लेते हुए हमें देखने को मिल रहा है कर्जिव ओके कर्जिव कहां पर रहने वाले हैं, ओके कर्जिव की फाइट तो देखने को नहीं मिली, बट आएगा जिसकी फाइट हमें देखने को मिल सकती है उसकी साइड चल के एक बार देखा जाए, तो ओपी डायनामिक की साइड अगर चल के देखा जाए, ओपी डायनामिक को दिया गया नॉक, ओपी डायनामिक को नहीं, ओपी डायनामिक तो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, साइबर गॉड को दिया गया था नॉक, साइबर गॉड को दिया जाएगा रिवाइव, कर्जिव क्या बात, ओ कर्जिव कह रहा है सॉरी ओपी डायनामिक क्या बात है, ओपी डायनामिक यहाँ पर लेते हुए फाइट और 5 फिनिशेस अपने अकाउंट में सिक्योर कर रखे हैं सोलो प्लेयर ने, इनके साथ साइबर गॉड देखने को मिलने वाले जिन्होंने भी 3 फिनिश यहाँ पर सिक्योर करे हुए, साइबर गॉड एंड डायनामिक एज अनस्टॉपेबल डेडली डुओ हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है, इनके सामने रहने वाला है कैंडी उंदीसी, सो कैंडी उंदीसी के साथ फाइट यहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, सेफ जोन विल स्टार्ट इन ओके सो सेफ जोन विल श्रिंक इन 30 सेकंड्स, सो अभी अगर चल के देखे फिलहाल अपने जोन की तरफ, जोन किस तरीके से अपने को देखने को मिल रहा है, ओके क्या बात है, डाउनटाउन एज अ लास्ट सर्कल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी चलती है क्या, यस ऑफ कोर्स ये गाड़ी चलती है, और इसी के साथ साइबर गार्ड को देने की ट्राई करी है, डैमेज देने का ट्राई करा साइबर गार्ड को, बट वहाँ डैमेज दे नहीं पाए, ऊपर डायनामिक को डैमेज देने का ट्राई करा, थोड़ा बहुत डैमेज दिया अभी कैंडी उदीसी ने, तो कैंडी उदीसी की साइड हमें चल के देखना पड़ेगा किस तरीके से वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, ओके कैंडी उदीसी के पास
बढ़िया स्कोप वाली एक गन हमें देखने को मिल रहा है ओपी डायनामिक जो रहने वाले इनके सामने। ओ बाप रे ओपी डायनामिक एंड साइबर गॉड पे यहां पर रश किया जाएगा। तो इसी के साथ हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है शायद से एक 1v2 क्लच ओपी डायनामिक की तरफ से। ओपी डायनामिक की अगर बात करें तो फिलहाल साइबर गॉड एंड ओपी डायनामिक दोनों सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक, बट अगर बात करी जाए फिलहाल कैंडी खुंदी सी की तो वो जाने नहीं देने वाले हैं। दिया जाएगा डैमेज, क्या नॉक दिया जा सकता है यहां पर? ये पानी के अंदर क्या हमें नॉक देखने को मिलने वाला है दोनों में से किसी भी एक प्लेयर का? नहीं, फिलहाल तो बूट लेंगे, जाना चाहेंगे जोन के अंदर, जाना ही पसंद करेंगे जोन के अंदर फिलहाल तो, और कोई ऑप्शन इनके पास भी नहीं बचता। दशरथ की तरफ अगर चल के देखा जाए, दशरथ ने दिया नॉक वाइल्ड ड्रैगन को, और इसी के साथ दशरथ के सामने रहने वाली है पूरी की पूरी स्क्वाड टीम नंबर 10, इनके पूरे के पूरे सामने रहने वाले हैं। रश करते हुए टीम नंबर 10 की साइड से एक नॉक हमें देखने को मिला, राजवर्धन का नॉक हमें देखने को मिल चुका, फिनिश करने के चक्कर में एलिमिनेशन हमें यहां पर देखने को मिला, क्या बात है। इसी के साथ दशरथ भी हो चुके हैं एलिमिनेट एंड दशरथ के साथ साथ पूरी उनकी टीम जा चुकी है लॉबी। टीम नंबर 10 ने यहां पर निकाली है फाइट, टोटल ऑफ 5 फिनिशेस के साथ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है सर्वाइव करते हुए। अगर चल के देखा जाए फिलहाल टीम नंबर 3 की साइड में तो यहां पर 8 फिनिशेस सिक्योर कर रखे हैं, 8 फिनिशेस के साथ टीम नंबर 3 हमें यहां पर सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे सिचुएशन के अंदर। इनके नियर बाय देखा जाए टीम नंबर 20 के लक्ष्मी यादव हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो इनके साथ साथ दो प्लेयर्स जो इनके साथ आए थे उनका एलिमिनेशन काफी अर्ली हमें यहां पर देखने को मिल चुका है। सो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर विनर कौन रहने वाला अपना मैच 3rd का, जो भी विनर रहेगा तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, इसी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारी स्ट्रीम के ऊपर। लाइक एंड सब्सक्राइब कहाँ पर होता है बताने की जरूरत है नहीं, उसको जाके दबा देना जहाँ पर भी आपको दिखता है लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जाके दबा देना, और साथ ही साथ हमारे मूगो स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करके जरूर आना, मूगो स्पोर्ट्स के डिस्कॉर्ड चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। मूगो कैंपस एम्बेसडर प्रोसेस में है अभी, मूगो कैंपस एम्बेसडर का लिंक भी आपको इंस्टाग्राम के पेज पर मिलेगा, काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं आपके अगर आप कैंपस एम्बेसडर बनते हैं तो, उसको जाके जरूर से चेक कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारी राइवलरी लीग शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, राइवलरी लीग को भी जरूर से देखिएगा, बहुत ही अच्छी लीग हमारी वैलोरेंट की शुरू होने वाली है। और इसी के साथ साइबर गॉड को दिया गया नॉक एंड फिनिश, अगर चल के देखा जाए साइबर गॉड की तरफ तो वहां पर उनकी टीम भी जा चुकी है लॉबी। अगर चल के देखे फिलहाल टीम नंबर 10 की तरफ 5 फिनिशेस के साथ टीम नंबर 10 हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे हाइस की तरफ। अगर चल के देखा जाए सो टीम नंबर 15 विटल ऑफ 1 फिनिश एज लास्ट, ओके एज ए लास्ट नहीं परफॉर्मेंस कार्ड हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। चल के देखा जाए टीम नंबर 13 की तरफ तो लास्ट टू प्लेयर्स फ्रॉम टीम नंबर 13 रॉबिन के साथ हमें यहां पर देखने को मिलेंगे हर्षित, किसी को तो डैमेज दिया जा रहा है। ओके हर्षित को डैमेज दिया जा रहा था क्या? नहीं, हर्षित को तो डैमेज नहीं दिया गया अभी तक। चल के देखा जाए वापस से टीम नंबर अपना 15 की तरफ इनके सामने रहने वाले हैं गलत को स्पॉट किया जा चुका है, बट अभी यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं गलत, देखते हैं कब तक सर्वाइव करने वाले। जिस तरीके से स्पॉट किया गया मेरे ख्याल से नॉक मिलेगा बहुत ही जल्द किसी ना किसी प्लेयर को। कूपर की करिए थोड़ी बहुत हेल्थ डाउन करने का ट्राई किया गया था बट नहीं कर पाया है, गलत को भी स्पॉट किया जा चुका है, गलत की साइड से भी आएगा बहुत ही प्यारा डैमेज यहां पर अब्सॉर्ब कर लिया जा चुका है दीक्षांत के थ्रू। अरे यार ये साउंड, ओके सो लेट्स सी टीम नंबर 10 की साइड अगर चल के देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी हमें 5 फिनिशेस के साथ देखने को मिल रही है टीम नंबर 10। ओके क्या बात है, मिस्टिक को दिया गया नॉक जैच की तरफ से, टीम नंबर जैच की तरफ अगर चल के देखा जाए टीम नंबर 3 में जैच रहने वाला है, टोटल ऑफ 11 फिनिशेस के साथ सर्वाइव करते हुए हमें देखने को मिल रही है टीम नंबर 3। लेट्स सी टीम नंबर 3 में अगर देखा जाए फिलहाल तो काफी ज्यादा फिनिशेस यहाँ पर सिक्योर है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट फिनिशेस अभी तक हमें देखने को मिल रहा है इस लॉबी के अंदर। और इसी के साथ काफी सारा डैमेज राजवर्धन को दिया गया, रश किया जा रहा है को दिया जाएगा रिवाइव बट जोन के बाहर है, आउट ऑफ द सर्कल जैच को रिवाइव देने का ट्राई किया जा रहा था बट जाएंगे खुद जोन के अंदर। मायदू के मिस्टिक इनके सामने से जाते हुए मिस्टिक को मिलने वाला है बहुत ही जल्द नॉकआउट, एंड इसी के साथ मिस्टिक को दिया गया नॉकआउट। और अभी अगर बात करें फिलहाल जैच की तो जैच के साथ-साथ सारे प्लेयर्स का एलिमिनेशन हमें यहां पर देखने को मिल चुका है। सो टीम नंबर 3 गॉट एलिमिनेटेड, एंड अगर बात करी जाए फिलहाल अपनी टीम नंबर 17 की, सो टीम नंबर 17 के सामने रहने वाले हैं टीम नंबर 18। सो टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 18 अब हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है। सो अभी यहां पर देखने को मिलेंगी फाइनली टॉप 3 टीम्स, द फाइनल शोडाउन बिटवीन टॉप 3 टीम्स आर हियर, लेट्स बिगिन। टीम नंबर 10 के साथ टीम नंबर 13 के साथ-साथ टीम नंबर 17 रहने वाले हैं, टीम नंबर 18 रहने वाले। सो टीम नंबर 13, टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर 18, लेट्स सी देखते हैं फिलहाल 1v2v4 सिचुएशन में टोटल ऑफ 7 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करते हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं इस छोटू से सर्कल के अंदर। अगर बात करी जाए फिलहाल
टीम नंबर 18 की फुल फॉर्म स्क्वाड है। सामने रहने वाले टीम नंबर 17 के दो प्लेयर्स विद टोटल ऑफ दोनों के 10 फिनिश यहां पर तो सिक्योर किए गए हुए हैं दोनों के थ्रू। जितने टीम नंबर 18 के पूरे 4 प्लेयर्स के नहीं है, उतने टीम नंबर 17 के दो प्लेयर्स के उनसे ज्यादा फिनिश है हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जितने पूरे टीम नंबर 18 के फिनिश है उनके उतने तो सिर्फ ओपी डायनामिक के फिनिश हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी के साथ ओपी डायनामिक के साथ सर्वाइव करते हमें देखने को मिल रहे हैं साइबर गॉड। सो डायनामिक एंड साइबर गॉड की तरफ से जो स्प्रे जाने वाला है देगा किसी ना किसी को द नॉक। आरवी कूपर ने भी दिया डैमेज ओपी डायनामिक। एंड अगर बात करें जबलाल साइबर गॉड की यहां पर फाइट लेते हमें देखने को मिल रहा है। पीछे से आएगा स्प्रे गलत यहां पर पहुंच चुके हैं आरवी के साथ में। और इसी के साथ रॉबिन की तरफ अगर चल के देखा जाए रॉबिन एज अ लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम टीम नंबर 13 अभी भी यहां पर सर्वाइव करते हुए मेरे ख्याल से हैशटैग सेकंड की पोजीशन आने वाली है रॉबिन की, क्योंकि सामने आने वाली है फुल फॉर्म स्क्वाड इन टीम नंबर 18। सो टीम नंबर 18 यहां पर ये फाइट निकालने वाले किसी भी पल। रॉबिन रोर को भी स्पॉट करते हुए कर दिया जा चुका है फाइनली एलिमिनेट। सो इसी के साथ रॉबिन रोर के साथ साथ एलिमिनेशन टीम नंबर 18 का यहां पर आते हुए विनर एज इन हमारे लास्ट मैच के विनर मैच नंबर 3 के विनर हमें देखने को मिलने वाले टीम नंबर 18 बहुत ही प्यारा खेलते हुए बहुत ही अच्छा खेले सारी की सारी टीम। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस मैच को देखने में, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा फिनिश थे कुछ कुछ टीम्स के, टीम नंबर 18 भी उनमें से एक थी शायद से। लेट्स सी टीम नंबर 18 के फिनिशेस कितने हैं। टीम नंबर 18 के फिनिशेस अगर देखा जाए तो टोटल ऑफ 9 फिनिशेस के साथ ये विनर हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। इसी के साथ हमारा आज का थर्ड मैच भी होता है ख़त्म, हमारा ये टूर्नामेंट होता है ख़त्म। इसी के साथ JNU इंटर यूनिवर्सिटी COD मोबाइल चैंपियनशिप 2022 यहां पर होती है एंड। सारे मैचेस होते हैं खत्म, फाइनल्स का डे था हमारा, फाइनल के तीनों मैचेस हो चुके हैं इसी के साथ खत्म। सो आप सभी से मिलेंगे बहुत ही जल्दी मुगुई स्पोर्ट्स एंड ESI लाइव के चैनल पे ही। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप सभी अपना, और साथ ही साथ यहां पर हम देख सकते हैं फिलहाल जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग योर सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी से मिलेंगे हम बहुत ही जल्द, तब तक के लिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और डिस्कॉर्ड के चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करके जाना हमारे मुगु स्पोर्ट्स के चैनल को। सो आप सभी से मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।